हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी फॉर ऑल। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के दूसरे टॉपिक की, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां। पहला टॉपिक था बेसिक कॉन्सेप्ट में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिस पर हमने पिछले वीडियोस में बात की। आज हम लोग मूवमेंट्स ऑफ अर्थ पर बात करेंगे। तो मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट्स। फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवोल्यूशन। रोटेशन जो है उसको हिंदी में घूर्णन बोलते हैं और रिवोल्यूशन को हिंदी में परिक्रमण बोलते हैं। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है? दिन और रात का होना। तो दिन और रात रोज होते हैं, इसलिए रोटेशन को डेली मोशन भी बोलते हैं या दैनिक गति कहते हैं। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है उसका एक्सिस अगर 90 डिग्री का होता तो 90 डिग्री का ना हो करके उससे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्रीज झुका हुआ है। और ये जो ऑर्बिटल प्लेन है उससे पृथ्वी का एक्सिस जो है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ऑर्बिटल प्लेन क्या है? ये एक काल्पनिक सतह है, एक प्लेन सरफेस मान लिया गया है जिस पर पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। मान लीजिए कि एक प्लेन सरफेस है, उस पर पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है, तो उस प्लेन सरफेस से पृथ्वी की एक्सिस 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और ऐसे जो 90 डिग्री का पर एक्सिस होता उससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये जो एक्सिस का जो झुकाव है, तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन द टॉपिक ऑफ मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव ये होता है कि जो रात और दिन होते हैं उनकी लंबाई वर्ष भर ज्यादा या कम होती रहती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं सर्दियों में, अभी हम लोग देख रहे हैं दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है। तो ये पूरी पृथ्वी पर हर जगह होता है और ज्यादा कम लंबाई होती रहती है, जिसका कारण है पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव होना। और ये जैसे मैंने ग्लोब रखा है आपको समझाने के लिए, जैसे ये ग्लोब है, तो जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। जैसे ऐसे पश्चिम से पूर्व जो है वो रोटेट करती रहती है। और मान लीजिए कि इधर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो ये होता है कि जिधर जो हिस्सा इसका सामने आएगा वहां पर दिन होगा और जो हिस्सा पीछे रहेगा वहां पर रात होगी। ये इसका एक्सिस जो है ये झुका हुआ है। और इसके कारण आगे समझेंगे कि कैसे होता है कि दिन और रात की लंबाई जो है वो बराबर नहीं होती है और ये इस तरह से ऐसे घूमती रहती है। और घूमते घूमते इस तरह से रिवॉल्यूशन भी इसका होता रहता है सूर्य के चारों तरफ। अब ये हो गया रोटेशन, अब आते हैं रिवॉल्यूशन पर। रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण। परिक्रमण जो है वो शब्द निकला है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है पृथ्वी। ये जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है। ये मान लीजिए कि ये सन है, इसके चारों तरफ ये जो परिक्रमा करती है, जो इसका रिवॉल्यूशन का जो पाथ है, जो इसके घूमने का जो रास्ता है ऑर्बिट, वो भी उस पर भी ये पश्चिम से पूर्व चलती है। इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, पश्चिम से पूर्व चलती है और रोटेट भी पश्चिम से पूर्व करती है। और इसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, वो भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व। यानी सब कुछ जो है पश्चिम से पूर्व चल रहा है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी पश्चिम से पूर्व घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, और चंद्रमा भी जो पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है वो भी पश्चिम से पूर्व ही चक्कर लगाता है।
तो ये होता है। और रिवॉल्यूशन जो है, जो परिक्रमण है, ये इसको ईयरली मोशन भी बोलते हैं, वार्षिक गति, यानी कि एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है। और जो हम लोग एक कैलेंडर ईयर मानते हैं कि एक चक्कर पूरा हो जाता है, फिर नया साल शुरू होता है और हम लोग कैलेंडर चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से अब अगर ये कितने दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो हम लोग अप्रोक्स बोलते हैं लगभग 365 दिनों में एक चक्कर पूरा हो जाता है सूर्य के चारों ओर। लेकिन अगर एग्जैक्ट बोले तो 365 + 1/4 days, मतलब 365 से कुछ ज्यादा समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में। तो ये जो 1/4 का जो समय है, तो ये क्या करते हैं हम लोग कि ये 6 घंटे जो है, 6 घंटे जो है, ये इसको हर चौथे वर्ष फरवरी के महीने में एक दिन ऐड कर देते हैं, जो लीप ईयर होता है। ऐसे फरवरी में 28 दिन होते हैं, और जैसे हर चौथे दिन, ये हर साल एक चौथाई जो है वो ऐड होता गया। तो 6 घंटे ऐड होते गए, तो 6 + 6 + 6 + 6, तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटे यानी एक दिन जो है हर चौथे वर्ष फरवरी में ऐड हो जाता है। और उस चौथे वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। तो ये जो है रिवॉल्यूशन का प्रोसेस है। अब इसमें ये समझते हैं कि सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है, तो इसका जो ये जो ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ है। एलिप्टिकल पाथ है यानी कि ये दीर्घ वृत्ताकार पथ है, मतलब ये पूरा गोल ना हो करके इस तरह से ऐसा थोड़ा सा लंबा है दोनों तरफ से। तो इसका भी कुछ असर पड़ता है, इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। और इसलिए क्योंकि कभी जो है सूर्य के नजदीक होती है पृथ्वी, अगर इस तरह का अंडाकार पथ है तो हमेशा एक समान दूरी पर नहीं रहती है पृथ्वी। कभी जो है सूर्य से ज्यादा नजदीक रहती है, कभी सूर्य से ज्यादा दूर रहती है। तो इस तरह से एक सूर्य और पृथ्वी के बीच एक औसत दूरी मानी गई है। तो औसत दूरी क्या होती है, 150 मिलियन ईयर्स लगभग, अप्रोक्स ये एवरेज डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, उसका औसत, उसकी औसत गति क्या है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 110,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये समझते हैं कि ये जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो घूमती है, इसमें अलग अलग पोजीशन आते हैं, पोजीशन होते हैं, और इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, तो यहां से शुरू करते हैं। जैसे ये सन है, तो इसकी किरणें जो हैं वो इधर जा रही हैं। तो यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये एक पोजीशन है पृथ्वी का, घूमते घूमते यहाँ पर आई। और यहाँ पर ये जो 22 दिसंबर का समय जो होता है, 21 या 22 दिसंबर को पृथ्वी का पोजीशन ये होता है। तो ये होता है, तो इस दिन क्या होता है, इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस, या हिंदी में बोलते हैं इसको शीत अयनांत। तो इस दिन क्या होता है कि सूर्य की किरणें, यहाँ पर ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस पर सीधी पड़ती हैं, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये अच्छा, ये नाम जो दिया गया है विंटर सोल्स्टाइस, ये उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से दिया गया है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय विंटर सीजन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय समर सीजन होता है। तो इस समय ये मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और इसके अलावा इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और फिर यहाँ पर ये होता है एक
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि इसका मतलब ये है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब एक गोल को कुछ है तो उस पर एक तरफ जो है रोशनी पड़ेगी और एक तरफ जो है वो अंधेरा रहेगा। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये होता है कि ये जो यहाँ पर ये जो नॉर्थ पोल वाला जो हिस्सा है और यहाँ पर ये साउथ पोल का हिस्सा है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो इसमें नॉर्थ पोल वाला जो हिस्सा है वो इसके विपरीत है, मतलब ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से बाहर है और ये जो क्षेत्र है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से के अंदर है। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि ये वाला हिस्सा यहाँ पर पृथ्वी चाहे जितना भी घूम ले, रोटेट भी कर रही है, तो चाहे जितना भी घूम ले ये वाला हिस्सा जो है वो उस पर सूर्य की किरणें कभी नहीं पड़ेंगी, और ये वाला जो हिस्सा है वो पृथ्वी रोटेट भी कर रही है तो ये हिस्सा जो है ये लगातार सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर इस समय यहाँ पर लगातार डार्कनेस होती है, ये हिस्सा लगातार अंधेरे में है। तो हम लोग बोलते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, और ये वाला हिस्सा जो है दक्षिणी ध्रुव वाला जो हिस्सा है ये लगातार प्रकाश की ओर है। तो यहाँ पर लगातार जो है वो दिन है और यहाँ पर लगातार जो है वो रात है। अब यहाँ से पृथ्वी घूमते घूमते रिवॉल्यूशन करते करते और रोटेट भी कर रही है, करते करते इस पोजीशन पर पहुंचती है। तब क्या होता है कि ये 21 मार्च का समय आता है। 21 मार्च को क्या होता है, इसको बोलता है वर्नल इक्विनॉक्स या वसंत विषु, हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर वर्टिकल पड़ती है, यानी कि विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, इंक्लूडिंग पोलर एरियाज, मतलब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है ये इक्विनॉक्स के समय में। फिर अब ये जो दोनों पोलर एरियाज हैं इन ये भी जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में प्रकाश की ओर आते हैं। अब यहाँ से घूमते घूमते पृथ्वी फिर से इस पोजीशन में आई, तो अब इस पोजीशन पर आई तो ये आ जाता है 21 जून जब अब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें उत्तरायण होना शुरू होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की ओर कंसंट्रेटेड होना शुरू होती है। तो 21 जून का समय आता है जब जिस दिन क्या होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है या कर्क रेखा इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, और इसके उत्तर और इसके दक्षिण की ओर सब जगह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस या ग्रीष्म अयनांत। और इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या हो रहा है, ये पोलर एरिया ये जो उत्तरी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है ये लगातार जो है वो प्रकाश की ओर है, और ये जो दक्षिणी ध्रुव वाला जो एरिया है ये लगातार प्रकाश से दूर है। तो प्रकाश से दूर है ये प्रकाश से दूर है और ये प्रकाश के सामने है। तो ये उत्तरी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लगातार रोशनी रहेगी और दक्षिणी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लगातार अंधेरा रहेगा। और दक्षिणी ध्रुव पर इस समय विंटर सीजन होता है, जब हमारे यहाँ गर्मी का सीजन होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सीजन होता है। तो ये हो गया। अब फिर से पृथ्वी जो है घूमते घूमते जो है यहाँ पर आई, यहाँ पर आने से फिर एक पोजीशन बना, ये सितंबर 23 को क्या होता है इसको बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स यानी इक्वल हो रहा है दिन और रात, इक्विनॉक्स इसको हिंदी में बोलते हैं शरद विषु, विषु यानी विषुवत रेखा पर फिर से सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि जहां पर जो भी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के सामने जो एरिया रहता है वहां पर दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है, और जो भी एरिया जो भी इसका भाग जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से
दूसरी ओर रहता है वहां पर दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी होने लगती है, जैसे कि ये जो समर सीजन जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सीजन होने लगता है, और तो सेम प्रोसेस वहां भी होना शुरू होता है कि रातें छोटी होने लगती है और सॉरी ये वहां विंटर सीजन है तो वहां पर दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी। तो इस तरह से ये पृथ्वी का चक्र जो है ये चलता रहता है, और इन रेस्पेक्ट ऑफ सन द पोजीशन ऑफ अर्थ चेंजेस एंड द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एडजस्ट्स टू इट अकॉर्डिंगली। तो इसके हिसाब से जैसे जैसे पोजीशन चेंज होता है वैसे वैसे ये अलग अलग समय या अलग अलग सीजन जो है वो चेंज होता रहता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कि एक और कॉन्सेप्ट है जो जैसे जब मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था जो उस समय मुझे नहीं आता था, उस समय मुझे पता नहीं था। वो ये था कि जब मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही है 21 जून को कर्क रेखा पर, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, तो ये पूछा गया था उस क्वेश्चन में कि जो बाकी जो इक्वेटर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा और मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर सनरेज का एंगल क्या बनेगा। तो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे तो ये मुझे आता ही नहीं था, तो ये क्वेश्चन जो है मेरा रॉन्ग हो गया था। तो फिर बाद में फिर और मैंने पढ़ा इसके बारे में, तब मुझे पता चला कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो जैसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर 21 जून को मान लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मान लीजिए ये इक्वेटर है तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहां पर 90 में यहां से 23.5 डिग्री से 0 डिग्री तक कितनी दूरी है, कितना डिफरेंस है एंगल्स का 23.5 डिग्री का, क्योंकि 0 से यहां तक 23.5 है, तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 में 23.5 माइनस कर देंगे तो यहां पर आएगा 66.5। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 66.5 डिग्री का एंगल बनेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर एंगल बनेगा इस 66.5 में 0 से यहां तक कितना डिफरेंस है डिग्रीज का 23.5 का, क्योंकि यहां पर इक्वेटर है यहां से इधर 23.5 है, 23.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो 66.5 से 23.5 फिर से माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 43 डिग्री। तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 43 डिग्री का एंगल बनेगा। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इक्वेटर पर 66.5 डिग्री का एंगल बनेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर 43 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह से ये निकाला जाता है। तो ये था इससे रिलेटेड, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ से रिलेटेड, रोटेशन क्या क्या हमने कवर किया, रोटेशन और एक्सिस ऑफ अर्थ, टिल्ट ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ एंड इट्स इफेक्ट्स, और रिवॉल्यूशन, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अर्थ, लीप ईयर कैसे ये कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा ये एंगल ऑफ सन रेज जो होता है ये कैसे निकालते हैं, ये हमने कवर किया आज के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना, अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।